तो नाजरीन आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह मनाल खान अपने नन्हे बेटे हसन इकराम को छोड़कर सलोन में बैठे अपनी वीडियोस बनाकर शेयर करती रही। इस पर उनकी बहन ऐमन खान भी काफी ज्यादा गुस्सा हुई और मनाल खान को काफी ज्यादा बातें सुनाई कि इतने छोटे बच्चे को छोड़ के ऐसे सलोन में वक्त गुजारना ठीक नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनाल खान ने हाल ही में अपना वेट काफी ज्यादा कम करा है, जिसके बाद वो पहले की तरह ही सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और रोजाना अपने फैंस के साथ अपनी वीडियोस शेयर करती है, जिसमें वो कभी किसी पार्टी में जा रही होती है तो कभी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती नजर आ रही होती है, जिस पर कई फैंस ने उन्हें कमेंट्स भी करे कि मनाल खान अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर बेशर्मों की तरह रोजाना घूमने निकल जाती हैं। तमाम ही फैंस ने मनाल खान को ऐमन खान से कंपेयर करते हुए कहा कि ऐमन खान अपने शोबिज लाइफ के साथ अपने बच्चों और फैमिली को काफी अच्छे से मैनेज करती हैं, कि मनाल खान इसके बरक्स अपने बेटे हसन को छोड़कर रोज पार्टी करने निकल जाती है और अक्सर और बेशतर मनाल खान के बेटे को उनके हस्बैंड अहसन इकराम संभालते नजर आते हैं। मनाल खान की अपने बेटे को लेकर इस बेपरवाही को देख ऐमन खान भी काफी गुस्सा हो गई और वीडियो कॉल पर आकर अपनी बहन मनाल खान को काफी ज्यादा बातें भी सुनाई। छोटे बच्चे काफी नाजुक होते हैं और जहां उन्हें सबसे ज्यादा माँ की जरूरत होती है, मनाल खान का इस तरह घंटों सलोन में बैठ के वीडियो शेयर करना अच्छी बात नहीं है। और कई फैंस ने भी मनाल खान को बातें सुनाई कि बेशरम औरत अपनी अय्याशियों के चक्कर में बेटे को भी निगलेक्ट कर रही है, जिस पर मनाल खान का काफी बुरा रिएक्शन आया और उन्होंने लाइव वीडियो में आकर बोल दिया कि मेरा बेटा मेरा मसला है, सोशल मीडिया सार्फिन को चाहिए कि वो अपना मुंह बंद रखे। नाजरीन आपके ख्याल में क्या मनाल खान ठीक कह रही है या फैंस की मनाल खान पर की गई तनकीद ठीक है? हमें कॉमेंट्स करके अपनी कीमती राय से आगाह करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।